Hello everyone and welcome back to the easiest English learning source Hinkhoj and I am Ishita. Guys, आज का जो video lesson है वो है कि हम question जब करते हैं तो हम कौन से ऐसे words use करते हैं. तो आज का topic है WH वाले words जो हम questioning के time करते हैं और कैसे use करेंगे ये भी देखते हैं. साथ ही आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट ट्रिविया है. सो स्टे ट्यून्ड विद मी टिल द एंड ऑफ द लेसन. नाउ सबसे पहला वर्ड है जो कॉमनली हम यूज करते हैं व्हाट. नाउ व्हाट हम कब यूज करते हैं गाइस, जब हमें कुछ स्पेसिफिक चीज पूछनी होती है या किसी स्पेसिफिक थिंग या ऑब्जेक्ट के बारे में पूछना होता है. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है. तो दिस इज सिंपल, आपका नाम क्या है मैंने पूछा क्योंकि मैं स्पेसिफिकली आपका नाम जानना चाहती हूँ. So it's simple. Now next word is why. Why का use हम तब करते हैं जब हमें किसी reason के बारे में पूछना हो. Like why didn't you come? आप क्यों नहीं आए. मैं उनसे नहीं आने का कारण पूछ रही हूँ यहाँ पे. ऐसे ही एक और word है जो कि है what for. या what, फिर कुछ sentences होते हैं इसमें and then we use for. What for का use भी हम reason जानने के लिए कहते हैं. What did you do that for? आपने ऐसा क्यों किया. तो मैंने ये सेंटेंस के लिए व्हाट और फॉर का यूज किया है. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज व्हेन. जब हमें किसी टाइम ओकेजन के बारे में पूछना हो या जानकारी चाहिए तो हम व्हेन का यूज करते हैं. लाइक व्हेन डिड ही कम, तो मैं जानना चाहती हूँ कि वो कब आए हैं. व्हेन डिड ही कम, वो कब आए. नाउ अगर मुझे किसी पोजिशन या प्लेस के बारे में जानना हो तो मैं यूज करूंगी वेयर, यानी कहाँ. वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं. तो मैंने यहाँ प्लेस के बारे में पूछा है उनसे. नाउ अगर मुझे किसी को चॉइस या अल्टरनेटिव देना हो तो मैं वहाँ यूज करती हूँ विच, यानी विच कलर पेन डू यू वॉन्ट, आपको किस कलर की पेन चाहिए. तो यहाँ मैंने उनको चॉइस दिया है कि किस टाइप की पेन चाहिए, किस कलर की पेन चाहिए. नाउ अगर मुझे किसी पर्सन के बारे में पूछना हो, किसी व्यक्ति के बारे में पूछना हो, तो मैं यूज करूँगी हूम या फिर हु. अब इन दोनों का यूज़ इट सेंटेंसेस में देखिए. Who opened the door? दरवाजा किसने खोला? Whom did you meet today? आज तुम किससे मिले? तो यहाँ मैंने दोनों ही सेंटेंसेस में किसी व्यक्ति के बारे में पूछा है, तो मैंने who और whom का यूज़ किया है. Now एक और वर्ड है whose. Whose का मतलब किसका. तो यहाँ मुझे जानना है कि किसकी ओनरशिप है, ये चीज किसकी है. Now imagine मुझे चाबी पड़ी हुई मिली और मैंने चाबी उठा के पूछा Whose keys are these? तो इसका मतलब है ये चाबियाँ किसकी हैं. Now एक और वर्ड हम यूज करते हैं why के साथ not. तो why के साथ not हम कब यूज करेंगे, जब हमें कोई सजेशन देना हो. लाइक why don't you go to sleep? यहाँ मैंने why do not यूज किया है. तो why don't you go to sleep? तुम सोने क्यों नहीं चले जाते. मान लीजिए कोई बहुत थका हुआ है तो मैं उनको ये कह सकती हूँ, उनको ऑप्शन दे सकती हूँ ये. लाइक आप सोने क्यों नहीं चले जाते, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं. यू लुक सो टायर्ड, व्हाई डोंट यू गो टू स्लीप. यहाँ मैंने सजेशन दिया है. सो ऑलवेज रिमेंबर गाइज, ये सारे डब्ल्यू एच वाले वर्ड्स हैं जो हम क्वेश्चनिंग में यूज करते हैं. नाउ इट्स टाइम फॉर सम ट्रिविया गाइज. आज के ट्रिविया में मैं आपको ऑक्टोपस के बारे में कुछ बताने वाली हूँ. आप ऑक्टोपस तो जानते ही होंगे. तो क्या आपको पता है कि इनकी बॉडी में 3 हार्ट होते हैं और तो और 9 ब्रेन्स होते हैं गाइज. सो 3 हार्ट और 9 ब्रेन, इमेजिन कितना चालाक होगा ऑक्टोपस. इनके पास 9 ब्रेन्स हैं और हमारे तो एक से भी काम नहीं चलता पूरा. और तो और इनकी ब्लड ब्लू कलर की होती है. ये था आज का ट्रिविया गाइज. आई होप यू लाइक दिट एंड यू लाइक द वीडियो लेसन टू. नाउ जल्दी से डब्ल्यू एच वाले वर्ड्स जो आज मैंने बताए हैं उनसे सेंटेंसेस फ्रेम करके मुझे कमेंट्स में बताइए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. स्टे ट्यून्ड विद मी टिल देन. टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग.